लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सभी मिश्रा, और खबरों की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सिल्वन प्लाई, ब्रेक नहीं बनता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से मिलेगा 125% डीए। सीबीआई के स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना पहुंचे कोलकाता, बुधवार को निजाम पैलेस में की चीट फंड जांच को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बुधवार को मासिक अधिवेशन में अनियमितता को लेकर हुआ हंगामा, बेल में पहुंचे विरोधी पार्षद। बुधवार को हुई बारिश से कोलकाता वासियों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन बारिश और तूफान के कारण कहीं गिरी पानी पीने की मशीन तो कहीं गिरे पेड़। बुधवार को कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यालय में उस समय हंगामा हो गया जब ये पार्षदों का अधिवेशन चल रहा था। बताया जा रहा है कि विरोधी पार्षदों ने इस अधिवेशन के दौरान मासिक अधिवेशन में अनियमितता और बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर के नारे लगाने शुरू कर दिए, और नारे लगाते हुए ही बेल में पहुंच गए। आपको बता दें कि पहले से ही विरोधी पार्षद ये आरोप लगाते आ रहे थे कि कोलकाता नगर निगम द्वारा अधिवेशन सही समय पर नहीं बुलाया जा रहा है। महानगर में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी, और ये उस समय हुआ जब बुधवार को बारिश हुई, और बारिश जोरों से हुई। इस बारिश में लोग काफी राहत महसूस करते हुए दिखे। वहीं लोगों में ये भी देखा गया कि लोग इस बारिश से काफी खुश दिखाई दिए, और लोगों को ये लग रहा है कि अब गर्मी से उन्हें कम से कम कुछ दिन तो छुटकारा जरूर मिलेगा। सोमवार से राज्य भर में जारी भीषण गर्मी का प्रकोप बुधवार को बारिश होने से शांत होता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि प्रचंड गर्मी से जहां कोलकाता के लोगों का हाल बेहाल हो गया था, वहीं बुधवार की सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई, और उतनी ही जोर से बिजली ने भी कड़कना शुरू किया। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दी। आपको बता दें कि मंगलवार को मौसम विभाग ने ये जानकारी दी थी कि अगले 48 घंटे में बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग के भविष्यवाणी के पहले ही, यानी कि मौसम विभाग ने 48 घंटे कहा था और बारिश महज 24 घंटे में ही शुरू हो गई। हालांकि जो भी हो, इस बारिश से लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की है। वहीं दूसरी तरफ बारिश तो हुई और इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन इस बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वो कुछ इस तरह है कि कहीं जल जमाव हो गया, कहीं पेड़ रास्तों पर उखड़ कर गिर गए, और कहीं कहीं तो पेड़ गाड़ियों पर भी गिर पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पानी का मशीन जो आमतौर पर लोग ठंडा पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस आंधी और तूफान और बरसात के कारण वो भी उखड़ कर रास्ते पर गिर पड़ा। इस घटना में एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए बारिश के बाद क्या कुछ नजर आया कोलकाता, और किस तरह से सड़कों पर जल जमाव दिखा। आइए देख लेते हैं कोलकाता से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद एक पिता ने उसके शरीर के अंगों को दान कर दिया। ये घटना पर्णश्री थाना अंतर्गत उपेन बनर्जी रोड की है। आपको बता दें कि इसी जगह के रहने वाले त्रिजीत की मंगलवार को 13 नंबर रूट की बस के नीचे आकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि त्रिजीत जब अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी समय ये दुर्घटना घटी। त्रिजीत की उम्र मात्र 26 साल थी। इस घटना के बाद पूरे परिवार पर अचानक गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना से पिता पूरी तरह टूट गए। आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे, पर लबों पर एक ही सवाल था कि बेटे की अंतिम इच्छा हर हाल में पूरी की जाए। त्रिजीत ने कहा था कि मरने के बाद उसके शरीर के अंगों को दान किया जाए। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर पर्णश्री के शांति संघ क्लब के पास बस के धक्के से बाइक सवार त्रिजीत की मौत हो गई थी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्व मिदनापुर के पासकुड़ा में सास ससुर ने अपनी ही बहू को घर से निकाल दिया और साथ ही उसके दो बच्चों को भी, और ये मामला सिर्फ घर से बाहर निकालने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इन तीनों की बुरी तरह से पिटाई भी की गई और ये सब हुआ सिर्फ संपत्ति के विवाद के चलते। पूर्व मिदनापुर जिले के पासकुड़ा में जमीन को लेकर हुए विवाद में ससुराल वालों द्वारा गृहवधू व उसके बच्चों को घर से बाहर निकालने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मैदुल रमन अपने तीन भाइयों व माँ बाप के साथ एक साथ रहता है। वह काम के सिलसिले में वह घर से बाहर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए जमीन जायदाद को केंद्र कर मैदुल की पत्नी मकसूदा व उसके बच्चों को मैदुल के माँ बाप ने बुरी तरह से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जब मैदुल घर वापस लौटा तो उसने पत्नी मकसूदा व उसके बच्चों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया व पासकुड़ा थाने में अपने परिजनों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। आइए देख लेते हैं जिलों की खबरें झटाझट। जून महीना आ जाने के बावजूद भी बंगाल से गर्मी दूर नहीं हो रही है। दिन ब दिन तापमान इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लोग प्रचंड गर्मी के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रास्ता सुनसान दिखाई दे रहा है। अब लोगों की यही आस है कि जल्दी बरसात हो व लोगों को गर्मी से मुक्ति मिले व लोगों को गर्मी से राहत मिले। आसनसोल के कांजी नजरुल विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाने के बाद ही गुस्साए छात्र छात्राओं ने आसनसोल के दो नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के काला मोड़ का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उनके परीक्षा पेपर की उचित जांच नहीं की गई है। वह इस घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची व विरोध को खत्म करवाया। এই বিক্ষোভটা হলো আমাদের যে ইউনিভার্সিটি অনিয়ম করে চলেছে। সেকেন্ড ইয়ারের আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল এপ্রিল মে মাসে, তার রেজাল্ট আমরা পাই পরের বছরের ন মাস পরে ফেব্রুয়ারি মাসে। থার্ড ইয়ার পরীক্ষার আগে আমরা রেজাল্ট পাই এবং সেই রেজাল্টে 80% অফ দ্য স্টুডেন্ট ফেল। যারা অনার্সে 70% মার্কস নিয়ে পাস করেছে তাদের পাস করছে এক নম্বর দু নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। मुर्शिदाबाद जिले के बरंगा इलाके में पति का किसी दूसरे महिला के साथ अवैध संबंध की बात को जानने के बाद पति व ससुराल वालों द्वारा पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका का नाम बुला बीबी था। कई दिनों तक बुला अस्पताल में चिकित्साधीन थी लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर बुला के परिजनों ने पति व ससुराल वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। वह इस घटना के बाद से ही पति व ससुराल वाले फरार है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के भारत बांग्लादेशी सीमांतवर्ती अंचल में यमुना नदी सेतु की हालत बेहाल है। जगह जगह पानी जमा हुआ है व गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह गड्ढे होने के कारण कभी भी यहां कोई दुर्घटना घट सकती है। करीब 500 से अधिक सेतु पर लॉरी गुजरती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट के 15 नंबर वार्ड में निकासी व्यवस्था सुगम न होने के कारण सारे इलाका वासियों को आवाजाही करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इलाके में पानी जमा होने के कारण बदबू फैल रही है व लोगों को डर है कि डेंगू के लार्वा पनपने के कारण कहीं कोई मलेरिया का शिकार न बन जाए। আমাদের 25 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে হচ্ছে 25 নম্বর ওয়ার্ডে, 15 নম্বর ওয়ার্ডে, এবং আমরা কাজ করছি, দেখে দেখে করছি। আমাদের মাননীয় সাংসদ অর্পিতা ঘোষের নির্দেশে উনি আমাদেরকে মাঝে মাঝে নিয়ে বসেন। আমাদের এখানে ড্রেন হয়েছে, ড্রেনের জন্য পুরো স্যাংশন ছিল, ড্রেনের জন্য রাস্তাটাও হয়েছে, এবং আমরা দেখলাম ঠিকাদার তার কাজ করতে করতে হঠাৎ করে ড্রেন এবং রাস্তা অর্ধেক জায়গায় গিয়ে বন্ধ করে দিল, এবং সমস্ত এলাকার যে জলটা ড্রেনের জল সেখানে এসে আটকে যাচ্ছে। বালুরঘাট পৌরসভা যে প্রচার করছে যে জল জমাবেন না, ডেঙ্গু হবে, যে প্রচার। भांगर कांड के बाद अब हुगली जिले के कोननगर विशाल लक्ष्मी सरनी की रहने वाली अनुश्री भट्टाचार्य जब रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने जा रही थी, उसी दौरान आटे में से दो हड्डियों का टुकड़ा बरामद हुआ। इस घटना से अनुश्री के साथ पूरे इलाका वासी आतंकित है। उन्होंने इस घटना को लेकर सुरक्षा विभाग दफ्तर में जाने का फैसला लिया है। আর কোনো কিসের আমরা বুঝতে পারছি না, তুমি চারিদিক থেকে দেখছিলাম, এটা হচ্ছে হাড়ি।
हुगली जिले में 5 महीने से सस्पेंड किए गए होमगार्ड चंदन ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एक महिला ने चंदन के खिलाफ छेड़खानी करने का मामला थाने में दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। चंदन के परिजनों का कहना है कि चंदन कई दिनों से मानसिक रूप से तनावग्रस्त था। हुगली जिले के बैद्यबाटी प्लेटफॉर्म पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर युवक के साथ दो लोगों का विवाद चल रहा था, जहां दोनों लोगों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर शिवराफुली जीआरपी मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। नदिया जिले के बिरहे सोनाखाली इलाके में एक पति द्वारा पत्नी पर एसिड फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है। जलीय अवस्था में पत्नी अस्पताल में चिकित्साधीन है। इस घटना को लेकर अभियुक्त पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं घटना के बाद से ही अभियुक्त पति फरार है। आज के चार पाँच दिन तक ठीक है जमा आज के मेम्बर टाइम बन रही है। नदिया जिले के शांतिपुर की रहने वाली सोमा पाल ने घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी उच्च माध्यमिक की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। गरीबी के कारण अच्छे अंक लाने के बावजूद भी सोमा अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रही हैं। फोन घाटते वाला लग रहा है, एक बात ही नहीं जो छुट्टी पेची ताई है तो एक फोन टुकटा फोन ना रहा, किंतु हमारे स्मार्टफोन नहीं हमारे बढ़ते ताई वो फोन काटते बा बांधवी दे रहा है, किंतु उधर का सीन नहीं हो जाए। मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट करार पर ओके हमें चेष्टा कर एकटू मैंने टीचार लाइने देवर आ कि এতে যদি আমি সরকারের সহযোগিতা পেতাম আমার একটু খুব ভালো হতো। আমার আর্থিক সমস্যা খুব মানে কিছু আর কিছু বলার নেই দুটো। ফিলহাল ইস বুলেটিন মে ইতনা হি, হামে দিজিয়ে ইজাজত, নমস্কার। লাইভ কলকাতা, আপকি সোচ হামারি তাকত।